चलाओ उठ पा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ से गुजरे तो हमने देखा कि काफ़ी लोग बड़े बड़े कुत्ते लेके खड़े हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या करने लगे, तो ये इन्होंने कहा भाई हम ना सुअर का शिकार करने लगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसलिए हम भी रुक गए। हम चाहा यार हम भी देखें कैसे सुअर का शिकार करते हैं ये कुत्तों के साथ। ये जो जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी कीकर का जंगल है, ये नहर हाखड़ा और इसके साथ जो चकूक लगते हैं ना, एक साइड पे चक 198 एटर है, चक 196 एचपी, चक 197, ये सब जो भी आप ये सामने देख रहे हैं ना, ये काफ़ी गहरा जंगल है और यहाँ पे सूअर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका शिकार इसलिए करते हैं कि ये ना रात को बहुत तंग करते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों ने चावल की फसल काश्त की होती है जो भी, ख़त्म कर देते हैं, उसमें लेटते हैं जाकर। वो इनके आगे ना दोनों तरफ बड़े बड़े दांत होते हैं। छोटा सा बच्चा कुत्ते का 100 यार ने की शिकार करना सूअर का। अभी शिकार के लिए सारे निकल गए हैं। अभी ना पहले किसी ने आवाज सुनी, उसने बताया कि यार इधर इधर आए। ओ लांगे लांगे आया अगे आगे अगे आगे अगे आ गए ने। इत्थे रोक गए ने। सबसे जो बड़ी निशानी होती है ना, वो यही होती है कि ये जहाँ भी पाए जाते हैं पूरे झुंड में पाए जाते हैं, एक कतार में चलते हैं। सबसे आगे इनकी जो वालदा होती है, जो बड़ी होती है वो आगे होती है, फिर पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कतार में चलते हैं। आप देख लेंगे इनकी जो फिक्स कतार होती है उसी हिसाब से हमेशा चलते हैं, सबसे आगे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। अगर ये सबसे बड़ी निशानी यही है, और ये ज़्यादातर यहाँ पानी के करीब ही पाए जाते हैं, यहाँ जहाँ पर जो सेम ज़्यादा इलाके होते हैं जहाँ पे अक्सर पानी खड़ा रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये फसलों के लिए बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है और इनको मारने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बॉर्डर एरिया ना इस साइड पे शिकार पे मुकम्मल पाबंदी है किसी चीज़ का भी। अब इसका भी शिकार नहीं कर सकते, ये भी जो आज शिकार कर रहे हैं ना हम, ये भी चोरी छुपे है, अभी रेंजर वालों को नहीं पता, अगर पता लग जाए तो वो तो फिर डंडे लेके पीछे पड़ जाएंगे, या वो कभी ज़्यादा दे भी देते हैं भी आपको नुकसान देते हैं तो इनको आप मार सकते हैं, लेकिन उसके बड़े तरीके होते हैं, ऐसे नहीं मार सकते आप। फायर वगैरह की तो आपको पता बॉर्डर पर इजाज़त ही नहीं होती,
ये देखिए कितनी काली जमीन, कलर शुदा यहाँ से हुई, बिल्कुल कलर वाली जमीन है। और यहाँ से आगे पानी है, इसलिए हमें जूते उतारने पड़ेंगे। और हाथ में पकड़ के बैसे बांध गया अभी, तो उसके पीछे दो कुत्ते लगे हुए हैं, इसलिए वो ना हमारी तरफ नहीं आ रहा। अगर उसके पीछे दो कुत्ते ना होते तो उसने तो हमारी भी फेंटी लगा देनी थी। देखिए कितनी गंदी जमीन है यार। इनको पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप कुत्ते इनके पीछे लगा दें। इनका इलाज सिर्फ कुत्ते कर सकते हैं, बंदे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान अगर इनको कुछ भी मारेगा तो वो आगे से हंस के दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का असर नहीं होता। कलहाड़ी भी इनको नहीं लगती। इनके लिए स्पेशल जो ना वो होता है, सुआ वगैरह बनाया जाता है। अभी यहाँ पर ये देखे ना, दोस्तों को बुलाया, वो लेके आ रहे हैं वो सुआ वगैरह, क्योंकि ये सुए के साथ ही रुक सकता है। तो अभी इसका ये हम ना यहाँ पे कंडोम पूरा, जो पंजाबी में कहते हैं कि सत्याराम, इसका पूरा हो जाएगा अभी यहाँ पे। लेकिन पता क्या, यूट्यूब का इशू है कि हम यहाँ पर आपको खून की वीडियो दिखा सकते हैं, वरना अभी यहाँ पर इसका पूरा मुकम्मल। दो बंदे आते हैं उधर से, अभी तो ये अभी खेल ही रहा है कुत्तों के साथ, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन अभी वहाँ से दो भाई आएंगे, वो इसको वो ना सून के पास सोए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो तो बना ली, मैं बाद में वॉइस कर रहा हूँ। तो उनके पास सोए होंगे तो वो सो, पहले उनकी तरफ ये भागता है, वो आगे से पहले उसके कमरे में एक सुआ, बड़ा वाला सुआ भी देखें, अभी आप पीछे लगते हैं तो वो अभी कमर में सुआ वो लगा दिया, फिर इधर से आएगा, फिर वो आगे से वो आके उसकी दूसरी साइड पर सुआ है हार्पर कर देगा। फिर कलाड़े से लेकर हम इसको मुकम्मल काट बांट के सूट देंगे। तो इसलिए हम कम इससे आगे हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे आगे फिर वो यूट्यूब ना वो कम्युनिटी गाइडेंस वायलेशन दे देता है। ये आप अभी भाई के हाथ में दे रहे हैं, अभी ये इसके कमरे में पूरा आर पार कर देगा, और यहाँ पे हम इसको मुकम्मल मार के चले जाते हैं। ये देखिए वाइल्ड बोरेज डेट। ओके अल्लाह।